ओके सो गाइस, पिछला वीडियो गलती से कट हो गया, तो अब इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं हम जिस क्वेश्चन को. राइट डाउन द क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर. ओके सो क्वेश्चन बनाइए. क्वेश्चन इज प्रूव दैट अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. ओके आपको प्रूफ करना है कि अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर है. लेट्स सी हाउ वी प्रूव दिस. तो बच्चों मैंने कहा रूट टू आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो एज ए कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट क्या मान के चलो कि रूट टू इज अ इरेशनल नंबर. सो लेट सपोज दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर. ओके सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है बच्चों. लेट अस एज्यूम हमने माना, लेट अस एज्यूम एज कॉन्टेररी. ओके मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिस पर अभी हम पूरे तरीके से नहीं पहुंचे हैं. विवादित स्टेटमेंट क्या है? विवादित. ओके डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट. यस एग्जैक्टली डिस्प्यूटेड. सो लेट अस एज्यूम एज अ कॉन्टेररी दैट दैट अंडर रूट टू इज एन इज अ रेशनल नंबर. अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर. तो बच्चा लोग हमने क्या मान लिया कि अंडर रूट टू रेशनल मान लिया. क्यों माना? इरेशनल प्रूफ करना था, घोड़ा प्रूफ करना था तो गधा लेके चलो, गधा प्रूफ करना है तो घोड़ा लेके चलो, उल्टा इरेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल लेके चलो. ये कॉन्ट्ररी मेथड की मीनिंग होती है. सो आपने टाइमिंग स्टेटमेंट को कैसा मान लिया? आपने मान लिया कि दिस इज अ रेशनल नंबर. सो ऑल यू गाइज नो कि जो रूट टू होगा, रूट टू नंबर विल बी एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जहां पे P और Q क्या होंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. मान लो बच्चों P और Q का कुछ कॉमन फैक्टर है, मान लो जैसे कि P बाई Q क्या है, मान लो सपोज इट इज 12/15, तो ये कैंसिल हो रहा है. ओके किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से. तो 3 4 12 एंड 3 5 15, ऐसे P बाई क्यू है. मान लो यदि वो किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, मतलब उसका कोई कॉमन फैक्टर है, तो उससे कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद दैट नंबर इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B. वी सपोज दैट आफ्टर कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर बाई P एंड Q, द फाइनली द नंबर इज कन्वर्टेड A बाई B. A by B में कन्वर्ट हो गया लाइक 4/5. अब 4/5 फर्दर कैंसिल नहीं होगा. फर्दर इसलिए कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. कॉमन फैक्टर तो है, कौन है? सबका मालिक एक है, तो एक तो सबका फैक्टर होता है, तो उस पर बात नहीं करेंगे. बट अदर देन वन कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दिस इज नॉट ऑफ एनी यूज. मतलब हम कहेंगे कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर. सो वॉट वी विल राइट, सो लेट अस दिस इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इज अ इंटीजर. एंड यदि हम पी अपॉन क्यू को, यदि हम P अपॉन Q को उसके आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर, इट कन्वर्टेड इनटू A बाई B, इट कन्वर्टेड इनटू द A बाई B. सो फाइनली द P अपॉन Q बिकम्स A बाई B एंड वी कैन राइट दैट A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. और यदि A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो इनको हम बोलते हैं को प्राइम. सो यू नीड टू राइट वेयर where small a and small b are co-prime. जहां पे स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है बच्चों? को प्राइम है. यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी को प्राइम हो चुके. को प्राइम का मतलब ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनके कोई कॉमन फैक्टर प्रेजेंट ना हो. ओके गाइज, तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बिल्कुल ही बिंदास नंबर है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. चलिए सो ए अपॉन बी में कन्वर्ट हो गया, ए अपॉन बी को प्राइम है. सो फाइनली हम कहां पर पहुंच गए? रूट टू इक्वल था किसके? पी बाई क्यू के. और पी बाई क्यू किसके इक्वल हो गया? A by B के. So हम लिख सकते हैं, we can write that root 2 is finally becomes A upon B, where A and B are also integers. सर क्यों इंटीजर भाई? क्योंकि इंटीजर को कैंसिल करोगे कॉमन फैक्टर से तो इंटीजर ही तो बचेंगे, तो A और B भी क्या होंगे? इंटीजर्स ही होंगे. यस सो A और B इंटीजर्स हो गए, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स. ओके ओके ओके, अब शुरू होता है यहां से मेथड इसको प्रूफ करने का. तो बच्चों ये स्टेटमेंट है, इसका स्क्वायर ले लो. यस तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो इफ यू स्क्वायरिंग बोथ साइड देन रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा 2, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर. यस सो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ओके बच्चों, अब यहां से आ रहा है बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट.
तगड़े तगड़े कंसेप्ट। मैं पहले ही आपके लिए उस कंसेप्ट को थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों। देखिए मैथ्स में रूल होता है इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर होता है, पक्की बात है। अपनी कॉपी में दो इंटीजर को सम करके देख लो, इंटीजर ही आएगा। इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है बच्चों, इंटीजर ही होता है। इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर क्या होता है प्यारे बच्चों, इंटीजर ही होता है। बट इंटीजर बाई इंटीजर बेटा ये जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो या ना हो, ओके। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंटीजर बाय इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास दो नंबर हैं 7 और 14, तो यदि आपने 7/14 किया सो यू विल हैव द आंसर 1/2, ओके 1/2 दैट इज नॉट अ इंटीजर। बट एक और सिचुएशन है, अगर आपने 14/7 कर लिया तो आपके पास 14/7 कर लोगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा 2 times एंड यू विल हैव इंटीजर। तो इंटीजर बाई इंटीजर इंटीजर भी हो सकता है इस केस में। एंड इंटीजर बाई इंटीजर क्या आया था बेटा, 2 आया था ना, एंड 2 इज एन इंटीजर। तो इंटीजर बाय इंटीजर इंटीजर भी हो सकता है और इंटीजर बाय इंटीजर इंटीजर नहीं हो सकता है, मतलब रेशनल नंबर हो सकता है, ओके। सो इंटीजर बाय इंटीजर, बट इंटीजर कब होगा, इंटीजर बाय इंटीजर तभी होगा जब नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा, तभी इंटीजर बाय इंटीजर इंटीजर होगा जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा, ओनली दैट टाइम योर इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर विल बी अ इंटीजर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया इंटीजर बाय इंटीजर कब होगा, इंटीजर बाय इंटीजर तभी इंटीजर होगा जब डिनोमिनेटर फुल्ली 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 न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा। डन, यस। तो आइए बेटा यहां पे क्या हो रहा, अभी इस सिचुएशन में आ जाओ। स्क्वायर कर दिया तो बन गया क्या, 2 = a² / b². अब कुछ जरूरत है यहां पे बेटा, देखो वी कैन राइट b² = a² / 2, b² = a² / 2। बट ये जो स्टेप आने वाले हैं यही डिसाइडिंग स्टेप है, अपना दिमाग का ताला बिल्कुल खोल लो बच्चों। सो b² = a² / 2, बेटा मैं फिर से लिखता हूं इस स्टेटमेंट को, क्या आया b² = a² / 2। अच्छा बच्चों देखो ध्यान से बेटा, a क्या था इंटीजर, b क्या था इंटीजर, मैंने बोल दिया लिखा नहीं है, लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि p और q इंटीजर थे इसलिए a और b इंटीजर थे। बेटा a स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर का स्क्वायर, मतलब इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, तो a square is an integer and 2 is also integer, और a दो integer को divide करने के बाद आपको क्या मिल रहा है b square जो कि integer है, मतलब हो क्या रहा है कि integer divided by integer हमको क्या मिल रहा है integer। ऐसा कब होता है भाई कि integer upon integer integer मिले, ऐसा तब होता है जब denominator numerator को पूरा cancel करे, इसका मतलब जो 2 होगा वो a square को cancel करेगा, definitely 2 जो होगा a square को cancel करेगा, और you can say 2 will cancel a square, 2 cancel करना मतलब 2 is the factor of a square, so we can write here 2 is the factor of a square, yes 2 is the factor of a square, मतलब 2 जो है a square को फुल्ली कैंसिल करेगा। अब एक और ट्विस्ट आ रहा है बेटा यहाँ पे देखो, 2 ए स्क्वायर को कैंसिल करेगा, मतलब 2 किसको कैंसिल करेगा, a और a के मल्टीप्लाई को, व्हाट इज a स्क्वायर, a और a का मल्टीप्लाई, तो 2 के पास तो कोई चॉइस है नहीं ना, 2 को अल्टीमेटली a को तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी के स्क्वायर को कैंसिल करना मतलब उस नंबर को इंडिविजुअल कैंसिल करना। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, यदि आपके पास कोई नंबर है 25 और 25 यदि 5 को डिवाइड करता है तो एक्चुअली 25 है क्या, 25 = 5 × 5, तो किसी एक को तो कैंसिल करेगा ना, तो लिखने वाली बात क्या हुई, सो 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यहां मैं 2 भूल गया था बच्चों, सो 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, दिस मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ ए, इंपॉर्टेंट लाइन, 2 इज द फैक्टर ऑफ ए, सो राइट डाउन 2 इज द फैक्टर ऑफ ए, देयरफॉर 2 इज द फैक्टर ऑफ ए, ग्रेट, 2 इज द फैक्टर ऑफ ए मतलब 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, फुल टाइम डिवाइड कर रहा है, फुल्ली फुल्ली फुल 2 डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आने वाला है यार, कितने ट्विस्ट हैं सर, क्या करें बच्चों, अजीब ही है ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ओके। सो समझो भाई, 2 a को डिवाइड करेगा तो क्या हाल होगा, ये लिख दिया a, ये लिख दिया 2, और सर कह रहे हैं कि 2 a को डिवाइड कर रहा है, a इज द नंबर ना, पता तो नहीं है क्या है, 2 तो जो 2 है a को
सपोज क्यू टाइम्स डिवाइड कर रहा है या एम टाइम्स डिवाइड कर रहा है, मान लिया ये एम टाइम्स डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। सर रिमाइंडर जीरो क्यों आया, क्योंकि भाई फुल्ली डिवाइड करेगा, फैक्टर है तो रिमाइंडर तो जीरो ही प्रोड्यूस होगा। ओके, सो टू ने ए को डिवाइड कर दिया, यू विल हैव एम टाइम्स एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो। सो वॉट यू कैन राइट, यू कैन राइट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर, और यू कैन से ए इज इक्वल्स टू टू एम, ए इज इक्वल्स टू टू एम। मैं ऐसे भी याद कर लेता हूँ, ए इज द एम फॉर मल्टीपल ऑफ टू, क्योंकि टू फैक्टर है तो ए मल्टीपल होगा। अब थोड़ी सी स्टडी चाहिए अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, ए ए अगर ए क्या होगा, ए टू का मल्टीपल होगा, अगर टू इसका फैक्टर है तो ए क्या होगा, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, मतलब जिससे मल्टीप्लाई होने पे वो चीज बनती है। सो ए में टू का डिवाइड किया तो एम टाइम्स आया, तो सिंपली ए इज इक्वल टू कितना, टू एम, ए इज इक्वल्स टू टू एम। सो यू कैन राइट ए इज इक्वल्स टू टू एम। इंपॉर्टेंट लाइन, ओके इंपॉर्टेंट लाइन। बेटा ये रिलेशन मैंने नंबर नहीं दे पाया, इस रिलेशन का नंबर दे दो, वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां से एक रीजनिंग क्लियर हुई है कि टू इज द फैक्टर ऑफ ए, टू इज द फैक्टर ऑफ ए। इस रीजनिंग को बहुत संभाल के रखना, ये बहुत काम में आने वाली है। नाउ ए इक्वल्स टू कितना आ गया है, टू एम। चलो अब आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को, ऊपर वाली चीजें मैं रफ कर देता हूं बच्चों। ये मैंने कर दिया इतना पोर्शन रफ, ओके ए इज इक्वल्स टू टू एम। आ जाओ बेटा इस इक्वेशन से, क्योंकि ए की बारी हो गई, अब बी को निपटाना है। तो बी कहां से पकड़ोगे बेटा, यहां से। ओके चलो, तो इधर से आ जाओ। नाउ सिंस वी हैव बाई वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी हैव वॉट, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, वी हैव बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, एंड वी जस्ट प्रूवन दैट ए इज इक्वल टू टू एम, ए इज द मल्टीपल ऑफ टू, क्योंकि टू टू ने ए को डिवाइड किया है तो ए क्या होगा, टू का मल्टीपल। सो ए इज इक्वल टू टू का मल्टीपल, टू एम, टू का मल्टीपल, एम फॉर मल्टीपल, टू एम। सो वी कैन प्लेस हियर b इज इक्वल्स टू टू एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, a की वैल्यू प्लेस कर दी बच्चा लोग, a इज इक्वल्स टू टू एम का होल स्क्वायर, यस टू का स्क्वायर फोर, m स्क्वायर, m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ओके सो कितना आ जाएगा बेटा, टू से कैंसिल हो गया, टू इक्वल टू कितना आ गया, टू एम स्क्वायर। अरे भाई ये किसकी वैल्यू है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। सॉल्व होते 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 बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, टू एम स्क्वायर। तो लिख लो अच्छे से, सो वी कैन राइट बी स्क्वायर इक्वल टू टू एम स्क्वायर। अच्छा बच्चा लोग, जब आप कंप्लीटली डिवाइड करते हो तो इधर आने वाली क्वांटिटी क्या होती है, इंटीजर होती है। क्या होती है, इंटीजर। तो याद रखना m भी क्या है, इंटीजर है। लिख लो यहां पे, वेयर m इज एन इंटीजर, यस, जहां m भी क्या है, इंटीजर है, जरूरत पड़ने वाली, इसलिए लिखाया। सो बच्चों b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2m स्क्वायर आ गया। थोड़ा इसको एडजस्ट करो बच्चा लोग, तो इसको एडजस्ट करोगे तो क्या लिखोगे, b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू फिर से क्या, m स्क्वायर आ गया। ओके, जो यहां हुआ था वो यही होगा इस बार b के साथ। बेटा b क्या था, इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, 2 क्या है, इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल्स टू m का स्क्वायर, m क्या है, इंटीजर है, एंड इंटीजर का स्क्वायर इक्वल टू इंटीजर। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है, इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करने पे इंटीजर आ रहा है, मतलब कंप्लीटली डिवीजन हो रहा है, मतलब 2 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर है। अगेन यहां पे क्या बना, दिस मींस 2 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, मतलब 2 जो है कंप्लीटली b स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, मतलब 2b को कैंसिल करेगा, दैट इज 2 इज फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। यस, हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन के बहुत क्लोज, 2 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अब मुझे वो गाना याद आ रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, शायद बहुत पुराना गाना है। तो बच्चों देखो, आप मैं इस गाने को क्यों गा रहा हूं, क्योंकि गाना ये था, आपने शुरू में क्या माना था, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब आपने कसमे वादे खाए थे कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बट आपने क्या निकाला, आपने कहा कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए, एंड वन मोर थिंग यू हैव प्रूवन दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बी, 2 इज द फैक्टर ऑफ बी, सॉरी, सो यू हैव प्रूवन दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ ए, एंड यू हियर यू हैव प्रूवन 2 इज द फैक्टर ऑफ बी, मतलब आप पहले कह रहे थे कि ए और बी को प्राइम है, और बाद में आप ही कह रहे हैं कि ए और बी के कॉमन फैक्टर 2 हैं। अरे भैया
कॉमन फैक्टर टू किसी के हो गए तो कोप्राइम कैसे हुआ, वो तो और भी डिवाइड होगा। ओके मतलब ये क्या हो गया, हमने कुछ और कहा पहले, अब हम कुछ और कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब हम अपनी ही बात पे अड़े नहीं हैं, हम दो बातें कह रहे हैं और हमारी दोनों बातें एक दूसरे की जस्ट अपोजिट हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। तो अब हम कहेंगे रीजनिंग कि दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। ओके सो लिखेंगे, सो टू इज द कॉमन फैक्टर फॉर बोथ A and B. So 2 is working like a common factor for both A and B. 2 जो है दोनों का common factor है A और B का. Means A और B जो पहले आपने co-prime कहे थे, अब वो A और B co-prime नहीं है, मतलब A और B कटेंगे, जो पहले आपने कह दिए थे ना ना अब तो तुम जितना cancel होना था हो गए, but यहाँ से क्या रहा कि A और B further cancel होंगे, क्योंकि इन दोनों के common factor क्या है, 2 है. This means यहाँ लिखता हूँ, that is A and B are not co-prime. Yes, A और B co-prime नहीं है. What is this situation? This situation is called contradictory situation. Yes, ये situation contradictory है, तो इसको हम justify करेंगे. This contradiction, भैया ये क्यों आया गलत, ये आखिर मतभेद हुआ क्यों, क्योंकि आपने शुरुआत में जो माना था वही गलत था. क्या माना था आपने, रूट टू को रेशनल मान लिया था, तो माफी मांगो. आई एम शोइंग हियर द सिंबल ऑफ माफी. ओके एंड डेड बॉल देता हूं एंड सेइंग कि भैया जो रूट टू है दैट इज नॉट इरेशनल नंबर, एग्जैक्टली इट इज अ इरेशनल नंबर. हमने क्या मान के चला था, रेशनल, बट अब हम क्या बोल रहे हैं, इरेशनल, बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन में हम उलझ गए. तो लिखो यहाँ की बात बच्चों, कि कितनी जगह कम पड़ गई, देखो मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया. This contradictory situation has been arises because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption. So finally, we can state that हम finally statement दे सकते हैं that under root 2 is irrational number, hence proved. क्या माना था पहले, हमने इसको रेशनल माना था, अब हमने क्या कर लिया बच्चों, इसको रेशनल प्रूव कर लिया. सो बच्चों 17 मिनट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. आई होप यदि समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर करना. ओके एंड लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर बींग विद योर प्यारा सा चैनल लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन. बच्चा लोगो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.